हेलो स्टेडियंस क्लास ऑफ लोग का स्वागत है। आज क्लास में उनको समझे क्लास 12 का स्टेट नंबर एक्सरसाइज 1.5 तो 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 1.5 समझने से पहले हम लोग को थ्योरम समझना पड़ेगा। तो देखो पहला थ्योरम क्या था, यूनिवर्सल थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते समष्टि समुच्चय या सार्थक समुच्चय। अब इस समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट होता क्या है यह समझते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कहेंगे यदि सभी सेट का सबसेट, सभी सेट का सबसेट एक निश्चित सेट हो तब निश्चित सेट ही यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसे सूचित करते हैं, इसे सूचित करते हैं, करते हैं यूनिवर्सल सेट को सूचित करते हैं यू द्वारा या ई द्वारा या एस से या ओमेगा से, ओम ओम से जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा इस तरीके से ओम से हम लोग ये ओम इसको ना बोलते हैं। और एबीसी और भी सिंबल है, हम लोग इस तरह से हम लोग डिनोट कर दिया यूनिवर्सल सेट। तो जैसे एग्जांपल में समझे यूनिवर्सल सेट, सेट ए दिया हुआ क्या 1 2 और सेट बी दिया हुआ क्या 2 3 4 दिया हुआ और सेट सी दिया हुआ क्या 1 3 4 और 5 इस तरीके से। और कोई एक सेट है ए यू है जो क्या ना यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए इसको ना बोल सकते ए सबसेट क्या ना यूनिवर्सल सेट, ए सबसेट यूनिवर्सल सेट, फिर क्या ना बी सबसेट यूनिवर्सल सेट, सी सबसेट यूनिवर्सल सेट। ऐसे अगर सेट ए का प्रत्येक अवयव इसमें है तो ये क्या कहलाएगा सबसेट, बी का भी प्रत्येक अवयव इसमें है तो सबसेट कहलाएगा, सी का भी प्रत्येक अवयव इस सेट में है तो क्या कहलाएगा सबसेट। सबसेट हम लोग देख चैप्टर में समझ चुके थे कि क्या ना इसका अगर ए का प्रत्येक अवयव इसमें हो तो क्या कहलाता है सबसेट, तो सबसेट है। बी का भी प्रत्येक अवयव इस सेट में है तो सबसेट कहलाएगा, बी सबसेट यू कहलाएगा। फिर सी का भी प्रत्येक एलिमेंट इसमें है तो क्या कहलाएगा सी सबसेट यू। तो ये हम लोग को समझ गए यूनिवर्सल सेट। अगर आपका सभी सेट का सबसेट एक ही सेट में हो, एक ही सेट में, तो वो क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। ये हम लोग समझ गए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको हम लोग नोट करते हैं ये यूनिवर्सल। अब हम लोग समझे कॉम्प्लीमेंट सेट, तो ये नोट हो गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब क्या ना पूरक सेट। अभी पूरक सेट क्या होता है, यदि ए कोई सेट है और यूनिवर्सल सेट एस है, कितना सेट ले रहे हैं दो सेट ले रहे हैं, एक कोई सेट ए है और कोई सेट ए कोई सेट है और यूनिवर्सल सेट क्या ना एस है, तब यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट सेट हो, तब कॉम्प्लीमेंट सेट को सूचित करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट को सूचित करते हैं ए डैश या ए पर पावर सी द्वारा। कॉम्प्लीमेंट को दोस्त क्या सूचित करते हैं ए डैश या ए पर पावर सी लगा देते क्या ना हम लोग विरोध करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट को, और यह परिभाषित होता और यह परिभाषित परिभाषित होता है ए डैश बराबर यूनिवर्सल से, यूनिवर्सल से माइनस में ए, यूनिवर्सल से माइनस ए द्वारा, क्या द्वारा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझे क्या ना, जैसे एग्जांपल में ए बराबर दिया हुआ है, पहले यूनिवर्सल से ले लीजिए एस 1 2 3 4 और 5 6 7 ये ले ले यूनिवर्सल से, और एस ए ले लेते ना कोई से क्या 1 2 और 3। अब इसका कर दे ए डैश फाइंड कीजिए क्या कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है तो हम लोग को ना ए डैश का फॉर्मूला होता है क्या एस माइनस ए। अभी अभी हम लोग समझे क्या ना इस सबसेट दिया क्या ना यूनिवर्सल सेट दिया और सेट दिया हुआ, तब करा इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए ए डैश। ए डैश कैसे फाइंड करेंगे, तो ए डैश बराबर फॉर्मूला होता है एस माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 और 7 ए माइनस माइनस सेट ए, सेट ए लिख दीजिए, सेट ए क्या है 1 2 और 3 है। अब इसको सबट्रैक्ट कर, दो सेट का डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में 1.4 में कंप्लीट कर चुके थे। अब देखिए 1 1 इसमें कैंसिल हो जाएगा, 2 2 इसमें है कैंसिल हो जाएगा, 3 3 भी है कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4 4 इसमें है क्या, नो 4 लिखाएगा 5 6
ए हो गया क्या, ए डैश कॉम्प्लीमेंट स्टेट, ये हम लोग समझ गए कॉम्प्लीमेंट स्टेट। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना समझते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट स्टेट, पूरक सेट। पूरक सेट हम लोग समझ गए, पूरक सेट क्या होता है, यदि कोई सेट ए है और यूनिवर्सल सेट ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट को सूचित क्या से करते हैं, डिनोट क्या से करते हैं, ए डैश से या ए पर पावर सी द्वारा। और यह डिफाइंड होता है, यह परिभाषित होता है ए डैश बराबर क्या, एस माइनस ए, एस माइनस ए इनवर्सल सेट माइनस ए द्वारा, जो हम लोग एग्जांपल में समझिए। इसको नोट करते हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज ना, यही दो पॉइंट पे ना आपका एक्सरसाइज 1.5 है, इसको नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फर्स्ट, फर्स्ट में क्या करना है एक्सरसाइज 1.5 का। मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट बी बना सेट ए एंड सेट बी एंड सेट सी, कितना सेट दिया हुआ, थ्री सेट दिया हुआ, एक यूनिवर्सल सेट दिया। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, पहला में क्या करा ए डैश फाइंड कीजिए। तो ए डैश फाइंड करने के लिए कहा जा रहा, तो ए डैश और फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस में ए। अब एक यूनिवर्सल सेट लीजिए, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये माइनस माइनस सिर्फ ए, सिर्फ ए वो सिर्फ ए यहाँ गिवन है तो सिर्फ ए लिख दीजिए, और 1 2 3 और 4। अब इस दोनों सेट को ना सबट्रैक्ट कर दीजिए, दो सेट का डिफरेंस हम लोग जानते हैं, 1 1 कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 4 भी कैंसिल। अब क्या बचेगा 6 7 8 और 9, यही क्या कहला गया ए डैश कॉम्प्लीमेंट सेट। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या कहा जाए ना बी डैश फाइंड के लिए, क्या बी डैश के लिए फॉर्मूला, बी डैश फाइंड करना तो यूनिवर्सल सेट माइनस में सेट बी, और यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये गिवन है माइनस माइनस सेट बी लिख दीजिए, सेट बी क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 2 4 6 और 8। अब ये दोनों सेट को ना डिफरेंस कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 1 इसमें नहीं है, 1 दिखाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 3 दिखाएगा 4 4 भी कैंसिल, 5 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 9, ये क्या कहला गया बी डैश, क्या कहला गया बी डैश इस तरीके से। अब ये तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा कि ए यूनियन सी का डैश ट्रांसपोज कॉम्प्लीमेंट से फाइंड कीजिए, ए यूनियन सी का डैश फाइंड कीजिए। तो ए यूनियन पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन सी, मतलब सेट ए और सेट सी को मिला के लिखना पड़ेगा, यूनियन मतलब क्या सेट ए और सेट सी दोनों सेट को मिला के लिखना। पहले सेट ए लिखिए, सेट ए क्या गिवन है 1 2 3 और 4, यूनियन यूनियन। अब सेट सी लिखिए, सेट सी क्या गिवन है, सेट सी गिवन है 3 4 5 और 6, ए गिवन है। अब ये यूनियन मतलब हम लोग समझ चुके हैं, दोनों सेट को क्या ना मिला के लिख दीजिए, 1 2 3 4 ये लिख दीजिए, फिर क्या ना 3 4 3 4 लिखा चुका, 5 और 6 ये हो गया। तो हम लोग क्या ना लिख दिए ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है, तो ए यूनियन सी के ऑल डैश बराबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए यूनियन सी, यह हो जाएगा नहीं कॉम्प्लीमेंट सेट। अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यह गिवन है, और ए लिख दे माइनस माइनस। अब क्या ना ए यूनियन सी लिख दीजिए, ए यूनियन सी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये लिख दीजिए। अब ये दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दो सेट का सब्ट्रैक्ट जानते हैं, जो कॉमन एलिमेंट हो कट जाता है, जो बचता वो लिखा जाता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7 8 9, यही क्या कहला गया कॉम्प्लीमेंट सेट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको नोट करते तो एक जल्दी नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का 4 5 और 6। अब फोर में क्या कहा है ए यूनियन सी का डैश कीजिए, तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा, नहीं ए यूनियन बी का करा कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी फाइंड कीजिए, पहले ए सेट ए लिख दीजिए, सेट ए 1 2 3 और 4 है, यूनियन यूनियन सेट बी, सेट बी लिखिए, सेट बी दिया हुआ 2 4 6 और 8।
अब दोनों का यूनियन निकाला, तो दोनों सेट को क्या करते हैं, मिला के लिख दीजिए 1 2 3 4 और ना 6 8, ये लिख दी सेट ए और सेट सी डी को, दोनों को मिला के थे, क्या फाइंड हो गया, ए यूनियन बी। अब इसका कहा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए, तो ए यूनियन बी ए और डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यह हो जाएगा। अब देखो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बी वन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ए माइनस माइनस। अब ए यूनियन बी लिखे, ए यूनियन बी क्या गिवन है, 1 2 3 4 और 6 8 यह है। अब इसको ना, अब दो सेट का डिफरेंस हम लोग सभी जानते हैं, अब देखो 1 कैंसिल होगा, 2 भी 2 भी, 3 3 4 4 भी, 5 5 नहीं है 5 लिखेंगे, 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखा है 7 8 और 9। अब तो हम लोग समझ चुके हैं, सभी क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर क्या ना, 5 5 में करा है ए डैश की हॉल है, मतलब फिर दोबारा कंप्लीमेंट, पहले तो ए डैश का हम लोग कंप्लीमेंट सेट फाइंड करेंगे, ए डैश मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये यूनिवर्सल सेट लिख दी। अब माइनस सेट ए लिख दीजिए, सेट ए ही बना है 1 2 3 और 4। अब इसका हम लोग को क्या नाम फाइंड करना है, दो सेट का डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल, क्या बचेगा 5 6 7 8 और 9, ये हम लोग को मिल गया क्या ना ए डैश। अब फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट से फाइंड करना, ए डैश की हॉल डैश कर दो, ए डैश की हॉल डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट और माइनस में ए डैश ए हो जाएगा ना, इसका एक समझिए, एक एक अलग सेट हो गया ना, एक अलग सेट हो गया, तो क्या ना इसका ट्रांस फिर से क्या करा ना हम लोग को कॉम्प्लीमेंट से फाइंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस में इसका हम लोग फाइंड कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट सेट, तो ए डैश लिखेंगे। अब फिर से यूनिवर्सल सेट लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9, ए लिख दिए, अब माइनस माइनस। अब ए डैश ए डैश ए डैश यहाँ फाइंड कर चुके हैं क्या, 5 6 7 8 और 9। अब इसका दोनों सेट का डिफरेंस कर दीजिए, तो 1 उसमें नहीं है दिखाएगा, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं, 5 6 7 इसमें है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और एक फाइंड हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं ए डैश के हॉल डैश इक्वल टू क्या ना, ए वापस ए लौट आया ए, इतना इक्वल टू क्या ले सकते हैं ए, तो ए डैश के हॉल डैश इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा, तो ये हो गया, हम लोग समझ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या ना कंप्लीट। अब इसी प्रकार से ना, अब आप लोग ए तो 5 हो गया, इसी प्रकार से आप क्या फाइंड कर लेंगे, बी माइनस सी के हॉल डैश, तो बी माइनस सी के हॉल डैश जैसे यहाँ पे इसको नोट करो, ये नोट हो गया, तो यहाँ रफ कह लेते हैं। अब हम लोग को क्या ना फाइंड करने के लिए कह रहा है, समझे, बी माइनस सी के हॉल डैश, तो b माइनस c के हॉल डैश फाइंड करना, तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा b माइनस c, तो सेट b लिखे, सेट b क्या गिवन है, 2 4 6 और 8, अब माइनस माइनस। अब सेट a c लिखे, सेट c क्या गिवन है, 3 4 5 और 6, तो पहले दोनों सेट का ना डिफरेंस कह लीजिए, तो दोनों सेट का डिफरेंस 2 2 नहीं है, 2 लिखाएगा, 4 4 है कैंसिल, 6 भी कैंसिल और 8 8 लिखा गया। अब इसका कहा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करिए, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट और माइनस में बी माइनस ए हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और माइनस माइनस बी माइनस सी, तो बी माइनस सी अभी भी तो फाइंड किए यार, 2 और 8। अब दोनों सेट का डिफरेंस कर दीजिए, तो 1 होगा 2 2 तो कैंसिल हो गया, 3 4 5 और 6 होगा, 7 और 8 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा 9 9, यही क्या कहला गया, बी माइनस सी का ट्रांसपोज डैश डैश कॉम्प्लीमेंट सेट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, इसको नोट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे, दो दो में क्या करें, यदि यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये यूनिवर्सल सेट गिवन, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, क्या कराना है इसका पूरक, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए, क्या
इसका ये स्टेट ए का, ये स्टेट ए दिया हो, इसका कह रहा है कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए। तो इसका पूरक सेट, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का पूरक सेट। तो पूरक सेट मतलब क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट को हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश से, क्या से, ए डैश। इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ए डैश। ए डैश मतलब हम लोग समझते हैं इनवर्सल सेट माइनस ए। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है जरा बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए गिवन है माइनस माइनस। अब ए लिख दीजिए क्या ना, ए सेट, ए सेट, ए क्या गिवन है, ए बी सी, ए बी और सी। अब दोनों सेट को ना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट जानते हैं, ए बी सी कैंसिल। अब बचेगा क्या, डी ई एफ जी एच, ये बच गया। यही क्या कहा गया, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए। तो बी का कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब डी डैश कर रहा है ना, ए का पूरक सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब ए डैश, तो यहाँ पे ए डैश। अब बी का कर रहा है तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डैश। बी डैश मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस में बी। अभी यूनिवर्सल सेट लिख दो, यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए गिवन है, और माइनस माइनस सेट बी लिखे, सेट बी क्या गिवन है, डी ई एफ और जी। अभी दोनों सेट का ना डिफरेंस क्या लीजिए, डिफरेंस जानते हैं, ए इसमें नहीं लिखाएगा, बी बी सी बी डी डी इसमें कैंसिल, ई भी कैंसिल, एफ भी कैंसिल, जी भी कैंसिल, और एच, ए क्या कहला गया, बी का कॉम्प्लीमेंट सेट डैश। अब करना सी का भी कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए, यहाँ लिख लेते हैं, सी का कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब सी डैश, सी डैश मतलब इनवर्सल सेट माइनस सी। इनवर्सल सेट क्या गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए गिवन है क्या, इनवर्सल सेट, और माइनस सेट सी, सेट सी क्या गिवन है, सेट सी गिवन है ए सी ई और जी। अब इसका ना दो सेट का डिफरेंस कह लीजिए, ए ए कैंसिल हो जाएगा, बी बी नहीं है, बी दिखाएगा, सी सी भी कैंसिल हो जाएगा, डी डी ई कैंसिल हो गया, एफ एफ जी जी भी कैंसिल हो गया, और एच, ए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर सी का, सी का कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार किसका फाइंड करेंगे, डी का कॉम्प्लीमेंट, तो शायद आप लोग फाइंड कर लेंगे डी का कॉम्प्लीमेंट। डी का कॉम्प्लीमेंट से कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस डी, तो याद हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर क्या ना दूसरा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को, नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर हम समझेंगे थ्री, थ्री में क्या कहना है, प्राकृत संख्याओं के समूह को सार्वत्रिक समूह मानते हुए, प्राकृत संख्या को है ना, मतलब एक ना सेट को ना यूनिवर्सल सेट को क्या लिया गया है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहा जाए, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समूह, सार्वत्रिक समुच मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको बोल चुका है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, एक होता है, दो तीन चार पांच छह डॉट 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 एक, ये दिया हुआ यानी सार्वत्रिक समुच। फिर कहना मानते हुए निम्नलिखित समुचों के पूरक सेट लिखे, क्या लिखे, पूरक सेट, मतलब ये हम लोग को यूनिवर्सल सेट गिवन दे दिया क्या, नेचुरल नंबर, और तब करा क्या ना पूरक सेट, क्या पूरक सेट मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए। अब देखो ए सेट दिया हुआ है, इस सेट का क्या ना कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। तो ए सेट क्या ना, ए सेट को मान लीजिए ए, क्या कवर गिवन है, एक सच दैट एक्स, एक गिवन है करा, एक सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, और क्या है, सम प्राकृत संख्या, प्राकृत सम संख्या। तो सम प्राकृत संख्या क्या होता है, दो तीन चार और क्या छह आठ डॉट डॉट डॉट, एक सम प्राकृत संख्या हो गया। अब इसका कहा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब ए डैश, ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस में ए। अब एक यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और माइनस माइनस सेट ए लिख दीजिए, सेट ए क्या, 2 4 और 6 6 8 डॉट 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 ए। अब इस दोनों सेट को ना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ देखिए वन वन इसमें नहीं है, वन टू टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री फिर फाइव फोर कैंसिल हो जाएगा ना, फोर कैंसिल हो जाएगा, फाइव फिर क्या ना सेवन सिक्स भी कैंसिल, सेवन फिर नाइन डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो यहाँ सम और यहाँ सम वाला क्या ना सेट डिफरेंस हो जाएगा, घट जाएगा, और बचेगा क्या, विषम वाला फंक्शन, ऑड फंक्शन। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यही आंसर हो गया, इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सजा एक एक क्या ना प्राकृत संख्या, क्या प्राकृत, प्राकृत
विषम संख्या, क्या विषम संख्या है इसका, क्या ना एक डैश का कॉम्प्लीमेंट सेट, एक डैश का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, एक से एक एक प्राकृत विषम संख्या होगा, क्या प्राकृत विषम संख्या ये हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, एक संख्या एक एक प्राकृत विषम संख्या, इसको मान लीजिए सेट बी, इस सेट बी क्या करना एक प्राकृत विषम संख्या, प्राकृत विषम संख्या क्या होगा 1, 3, 5 और क्या 7 डॉट 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 इस तरीके से। अब इसका कहा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट लिख देंगे बी डैश यूनिवर्सल सेट माइनस में बी। अब यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए, यूनिवर्सल सेट ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 डॉट 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 और माइनस माइनस सेट बी लिख दिया, सेट बी क्या 1, 3, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ए है। अब देखो दो सेट का डिफरेंस, दोनों सेट का डिफरेंस कैसे करते हैं, इसमें इवन और सम विषम दोनों फंक्शन है, इसमें क्या ना विषम है, तो विषम जब घट जाएगा तो क्या बचेगा केवल सम फंक्शन बचेगा, तो सम फंक्शन बचेगा 2 बचेगा 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यही हो गया क्या बी डैश। इस बी डैश को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक सच दैट एक क्या है प्राकृत संख्या है, प्राकृत सम सम संख्या, प्राकृत सम संख्या है इस तरीके से भी, अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं या ऐसे रहने दे सकते, दोनों तरीके से आंसर क्या करेक्ट है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्या ना फर्स्ट और सेकंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, तीसरा का तीसरा में क्या करना है, ए यूनिवर्सल सेट गिवन है नेचुरल नंबर और करना फिर करना इस सेट को मान लीजिए सी, करा एक सच दैट एक एक संख्या 3 का धन गुणज है, मतलब ए ना धनात्मक गुणज है पॉजिटिव में 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या होगा 3, 6, 9 और ना 12 डॉट डॉट डॉट, ये 3 का गुणज, इसका कहा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा सी डैश इज इक्वल टू ए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट माइनस सी। अब एक यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए, यूनिवर्सल सेट क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 और माइनस माइनस सी, सी लिख दीजिए 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। अब ये दोनों सेट को ना डिफरेंस कह लीजिए, 1, 2, 3, 3 कैंसिल हो जाएगा और 4, 5, 5, 6 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या 7, 8 डॉट 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 इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका सी डैश कॉम्प्लीमेंट सेट। तो इसका ना हम लोग लिख सकते हैं और ना प्राकृत संख्या x x संख्या x क्या ना x संख्या x एक प्राकृत संख्या है जो जो 3 के गुणज को छोड़कर है, 3 के गुणज को क्या करके छोड़कर के इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसे आंसर रख सकते हैं। हो गया अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, एक संख्या एक से अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको मान लीजिए सेट बी, अभाज्य संख्या का मतलब वैसा संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो, तो ये ना अभाज्य संख्या मतलब क्या ना प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है 2 होगा 3 और 5 7 डॉट 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 ये क्या है प्राइम नंबर है। अब इसको प्राइम नंबर है तो इसको ना अब लिख दीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट सेट, तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए, यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 और माइनस माइनस डी लिख दीजिए, डी क्या गिवन है 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब इसको सबट्रैक्ट कर लीजिए, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और 2 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 5 भी कैंसिल 6 डॉट 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 इस तरीके से। तो ये ना इसमें क्या ना अभाज्य संख्या जब कैंसिल हो गया तो बचेगा ना इसमें भाग अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों है, जब इसमें अभाज्य संख्या कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा भाज्य संख्या, इसको लिख सकते हैं x x एक प्राकृत संख्या, क्या है प्राकृत प्राकृत भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, जब इसमें ये नेचुरल नंबर में अभाज्य संख्या डिफरेंस घट जाएगा तो क्या बचेगा अभाज्य संख्या, इस तरीके से भी लैंग्वेज में लिख सकते x दैट x क्या प्राकृत प्राकृत अभाज्य संख्या है, बस हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोग थर्ड और फोर्थ कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर समझो 3 का 5, 3 का 5 में क्या करना कि x दैट x इसको सेट ले मान लीजिए, एक संख्या 3 और 5 से विभाज्य होने वाली एक संख्या, 3 और 5 से विभाजित 3 से विभाजित होने वाली 3 भी है और 5 होगा 5 से विभाजित होना 3 और 5 दोनों,
थ्री और पांच से विभाजित होने वाले हैं। तो थ्री और पांच से विभाजित होने वाली चीज कौन क्या है, 15 संख्या, 15 15 जो है थ्री और फाइव से दोनों से विभाजित होगा। और इससे कोई छोटा संख्या होगा जो थ्री और फाइव से विभाजित नो। फिर 15 के बाद क्या ना 30 होगा, 30 जो है 15 और 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा। फिर इसके बाद 45, 45 फिर क्या 60, फिर क्या 90। ये जो संख्या है ये क्या ना यहाँ पे 75 75 डॉलर, ये जो संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा। अब इसका कहा जा रहा कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए। तो ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो सेट ए क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ए, माइनस माइनस सेट ए लिख दीजिए 15 और 30 30 45 डॉट 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 इस तरीके से। तो यहाँ पे ना ये जो लिख लेंगे यहाँ पे क्या ना लिखाएगा 1 2 3, और इस तरह से हम लोग लिखेंगे जब इसमें, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या ना, एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, लेकिन इसमें क्या ना इसको लिख सकते हैं थ्री और फाइव को छोड़कर, थ्री और फाइव को के विभाजित होने वाली संख्या को छोड़कर, या यहाँ पे लिख सकते हैं इसको माइनस में लिख दीजिए 15 15 30 45, या 15 का गुणज संख्या है जो जो 15 का गुणज को छोड़कर, गुणज को छोड़कर छोड़कर यही हो गया अंतर। तो ये ना ये एक प्राकृत संख्या होगा, लेकिन 15 के, देखो ना ये जितना 15 के जो गुणज होगा वही संख्या 3 और 5 को, 3 और 5 से विभाजित होगा। तो ये ना 15 को विभाजित संख्या को क्या ना छोड़कर जितना सारा संख्या होगा वो सब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट होगा इसका, कॉम्प्लीमेंट सेट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3 का क्या ना 6। 3 का 6 में कह रहा है एक साइड दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको ना पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका पूर्ण वर्ग संख्या देखो एक, एक का ना पूर्ण वर्ग होता है ना, एक का पूर्ण वर्ग होता है ना, एक का पूर्ण वर्ग क्या होगा एक। फिर क्या ना चार, चार का पूर्ण वर्ग, चार का पूर्ण वर्ग क्या होता है ना दो। फिर क्या ना चार के बाद क्या ना आठ नौ का होता है ना पूर्ण वर्ग, किसका 9 का। फिर किसका होगा 16 का 25 का, और इस तरीके से 36 का, ये सब संख्या जो क्या ना पूर्ण वर्ग है। और इसका कहा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए। इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, ए डैश यूनिवर्सल सेट माइनस क्या लिख दीजिए, और यूनिवर्सल सेट क्या जरा बताओ, यूनिवर्सल सेट गिवन है क्या ना नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5 डॉट डॉट डॉट, माइनस माइनस, और सेट ए लिख दीजिए 1 4 9 और 16 और 14 डॉट 25 डॉट डॉट डॉट, ये है। अब इसमें देखो जब एक पूर्ण वर्ग संख्या को हटा देंगे तो पूरा जो बचेगा संख्या वही क्या कहलाएगा, ए डैश। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक साइड दैट एक क्या है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो जो पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर, पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो लिख दीजिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या इसमें नहीं है, क्या ना इसमें नहीं होगा बस, एक इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका देखो 7 इसी जैसा है, क्या रहा ना इसमें एक संख्या ए से पूर्ण घन संख्या, तो पूर्ण घन संख्या क्या हो जाएगा ना सेट ए लिख दे, पूर्ण घन संख्या एक का होता है, एक का पूर्ण घन क्या हो ना यहाँ पे 1 पूर्ण घन 1 पर पावर 3, क्या मिलेगा एक। फिर क्या ना मिलेगा 8, 8 का पूर्ण घन करो तो 8 का पूर्ण घन करेंगे तो क्या आएगा ना 2 2, फिर इसका 27 का, फिर 81 का, इस तरीके से पूर्ण घन लेते हैं। अब इसका कहा जा रहा कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए। इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट तो पूरा नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर में ये अगर पूर्ण घन को छोड़ दिया जाए तो जो बचेगा वही क्या कहलाएगा आपका आंसर कहला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं नेचुरल, इतना फैलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एक सच दैट एक एक क्या है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो जो पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या
संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये हो जाएगा आंसर। एक प्राकृत संख्या जो पूर्ण घन संख्या इसमें नहीं है, यही हो जाएगा क्या, ए डैश। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग खंड का सिक्स और सेवन कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं इसी का एट, तो इसको नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे ना, थर्ड थर्ड का क्या ना, एट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का एट में दिया हुआ है, ए मान लीजिए सेट दिया हुआ है, सेट ए क्या दिया हुआ है, एक कर दैट एक्स प्लस फाइव और बराबर में एट, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते ना, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एट, तो एक्स इक्वल टू क्या है, फाइव इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो थ्री आ जाएगा, तो ए मिल गया ना सेट ए। सेट ए एक्स का मान कितना आया, थ्री आया। इसका कहा जा रहा है कंप्लीमेंट सेट फाइंड, जैसे ए ये हो जाएगा इनवर्सल सेट माइनस में ए, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, माइनस में सेट ए में कितना थ्री एलिमेंट है, इसको लिख सकते हैं एक सच दैट एक्स ए क्या है, प्राकृत संख्या है, और इसको लिख देंगे एक्स डज नॉट इक्वल टू थ्री ए होगा, मतलब ए पूरा प्राकृत संख्या होगा, किसको छोड़कर, थ्री को छोड़कर, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं क्या ना, ए डैश, ये हो गया आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, तो नाइन में क्या कहा जा रहा है ना, इसका भी कह रहा है कॉम्प्लीमेंट से फाइंड, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, टू एक्स प्लस में फाइव बराबर में क्या ना नाइन, अब एक टू एक्स फाइव को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा फोर, और एक्स बराबर इसको कट कर दे तो क्या आ गया दो, अब ए ना सेट ए मिल गया क्या ना दो, इसका कहा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 डॉट 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 माइनस में सेट ए, देखिए इसी को हम लोग इस तरीके से लिखा जाता है, एक सर दैट एक्स ए क्या है, प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत प्राकृत संख्या है, एक से एक प्राकृत संख्या है, और एक्स डज नॉट इक्वल टू दो, एक्स डज नॉट इक्वल टू दो है, मतलब एक पूरा प्राकृत संख्या है, इसमें किसको छोड़कर, दो को छोड़कर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना थ्री। थ्री का हम लोग क्वेश्चन नंबर एट और नाइन कंप्लीट करें। अब इसका समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थ्री का टेन में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, तो सेवन से बड़ा और सेवन के बराबर संख्या, तो सेट ए लीजिए, सेवन से बड़ा क्या आ गया ना सेवन, सेवन के बराबर भी करा तो सेवन से बराबर सेवन, और सेवन से बड़ा क्या आ गया एट नाइन टेन इलेवन डॉट डॉट डॉट, एक पूरा संख्या होगा। अब इसका कहा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट सेट, ए डैश फाइंड करेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस में ए, यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और माइनस में 6 ले लीजिए डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या ना 7 8 9 10 डॉट 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 ए, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, वन वन इसमें नहीं दिखाएगा, दो भी, तीन चार पांच और छह, अब देखिए सात, यहाँ सात आठ नौ दस डॉट डॉट, यहाँ पे सात आठ नौ कैंसिल हो जाएगा, जितना ही बचेगा एक क्या कहला गया ए डैश, इसी को लिख सकते हैं एक सेट दैट एक्स ए क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, और एक्स लेस देन सेवन, एक्स लेस देन सेवन ये लिख सकते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू छह से क्या है, छोट सात से छोटा होगा, और ये प्राकृत संख्या है लेकिन एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, सात से छोटा होना चाहिए, ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं आंसर, या ऐसे दोनों तरीके से आंसर क्या ना कैरेक्टर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ए क्या ना इलेवन है, इलेवन में क्या करना है, एक्स बिलोंग करा है नेचुरल नंबर को, और ए करना है 2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या ना दिया हुआ 10, तो 2x 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2, मतलब x का वैल्यू 9/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 9/2 मतलब क्या 4.5, तो 4.5 से बड़ा, इसको मान लीजिए सेकंड, तो 4.5 से बड़ा क्या क्या संख्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 8 9 डॉट 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 ना, इस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें हम लोग को इसका कहा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है, और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 डॉट 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 ए गिवन है,
अब यहाँ पे ना माइनस माइनस ए लिख दीजिए, सीटी 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें 1 2 3 4 इसमें है नहीं, तो 1 2 3 4 ए लिख दिए। और अब देखो 5 6 7 इसमें भी 5 6 7 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यही हो जाएगा आंसर a डैश। अब आप इसी को लिख सकते हैं एक तरह से प्राकृत संख्या है जो, और एक प्राकृत संख्या, और इसको लिख सकते हैं x less than 9/2, x less than 9/2 इस तरह से लिख सकते हैं, या ऐसे जाने दीजिए आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतनी ही थी, थैंक यू स्टूडेंट, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।